नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। 30,000 कोर्ट में हिंसक झड़प के बाद सोमवार को साकेत कोर्ट के बाहर एक बाइक सवार पुलिसकर्मी को वकील द्वारा पिटाई के विरोध में प्रदर्शन कर रहे पुलिसकर्मी आईटी स्थित पुलिस मुख्यालय के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। प्रदर्शनकारी पुलिसकर्मियों के स्लोगन के साथ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए। दिल्ली पुलिस के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब दिल्ली पुलिस अपने मुख्यालय के बाहर धरना दे रही हो। सुबह 9 बजे से हजारों की संख्या में दिल्ली पुलिस जवान जोर जोर से शोर मचाते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के कारण आईटीओ पर भारी जाम लगा गया है। वहीं मुख्यालय का गेट बंद कर दिया गया है। न तो कोई ऑफिसर बाहर निकल पा रहा है और ना ही कोई बाहर से अंदर जा रहा है। धरने की वजह से ट्रैफिक पुलिस ने आरटीओ से लक्ष्मी नगर जाने वाले रास्ते को डाइवर्ट कर दिया है। वहीं पुलिस ने वाहन चालकों दिल्ली गेट और राजघाट की सड़कों से होकर जाने की सलाह दे रही है। सुबह 9 बजे ही सेवानियुक्त पुलिसकर्मियों के अलावा वर्तमान में दिल्ली पुलिस में तैनात पुलिसकर्मी और परिजन पुलिस मुख्यालय पहुंच गए थे। इनका कहना है कि हम भी इंसान हैं और हम पर हमला क्यों किया जा रहा है। पुलिसकर्मियों की मांग है कि उनका मुख्य सुपर कॉप किरण बेदी और दीपक मिश्रा जैसे होनी चाहिए। वहीं तीसरी बटालियन के पुलिसकर्मियों का प्रदर्शन विकासपुरी में भी चल रहा है। दिल्ली पुलिस की थर्ड बटालियन जेल से कैदियों कोर्ट लाने ले जाने का काम करती है और वो कोर्ट में जो लॉकअप में होते हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हें ही होती है। आज पूरी बटालियन के लोग उन्हें हाथ में काली पट्टी बांध ली है और वकीलों की हिंसा का विरोध कर रहे हैं। वहीं साकेत जिला कोर्ट के वकील की हड़ताल से आम लोगों को काफ़ी परेशानी हुई। जिन लोगों की कोर्ट में सोमवार को तारीख थी वह सुबह सुबह कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उनकी निराशा होकर वापस लौटना पड़ा। कुछ मुवक्किलों ने आरोप लगाया कि जब वह कोर्ट पहुंचे तो वकीलों ने उनके साथ बदसलूकी की। उनका कहना था कि दूर दूर से वह केस की तारीख के लिए पहुंचे थे, लेकिन कोर्ट पहुंचने पर उन्हें हड़ताल की जानकारी मिली। इधर कोर्ट परिसर में तैनात पुलिसकर्मी ने भी मारपीट का आरोप लगाया। वकील द्वारा एक पुलिसकर्मी व एक ऑटो चालक की पिटाई व वीडियो भी वायरल हुआ है। दक्षिण दिल्ली जिले के पुलिया उपायुक्त अतुल कुमार ठाकुर ने बताया कि दो पक्षों की ओर से जो भी शिकायत मिली है उनकी जांच की जा रही है, साथ ही वायरल वीडियो की भी जांच हो रही है। इसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। आरोपों की वीडियो बना रहे एक ऑटो चालक की वकील ने पिटाई कर दी। यही नहीं, उनके कपड़े फाड़ दिया और मोबाइल भी तोड़ दिया। वहीं जो राहगीर मोबाइल में वीडियो बना रहे थे वकीलों ने उनके मोबाइल भी छीन लेने का प्रयास किया। वकील ने कोर्ट परिसर के अंदर से लोगों को निकाल कर बाहर कर दिया। इसके बाद सैकड़ों वकील जुलूस के रूप में परिसर के बाहर निकले और तिहरे पर जाम हो गए। इसके कुछ देर के लिए यातायात भी ठप हो गई। लेकिन दिल्ली में इस तरह की घटना सर्वसाधारण है और कांग्रेस के सुरजेवाला ने साफ कहा है कि मोदी सरकार और अमित की सरकार में यही होने वाली है, क्योंकि दिल्ली में पहली बार इस तरह से हुआ है कि पुलिसकर्मी हड़ताल पे गए हुए हैं। और इसी तरह की खबर जानने के लिए इस बी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अब आप बी न्यूज़ का ऐप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर एक नई खबर और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।